हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आने वाला है होली का त्यौहार, मैंने सोचा पापड़ बना लिया जाए। मैंने पापड़ बनाने की सारी तैयारी कर ली थी। ये मेरी छोटी बेटी है, इसका नाम त्रिषा है। त्रिषा ने कहा मम्मी मैं भी बनाऊंगी, तो मैंने कहा तुम भी बना लो। मैंने इसको थोड़ा सा आइडिया बता दिया था ये, और ये अपने हिसाब से बनाती गई, लेकिन अच्छा बनाई है। ये आलू का पापड़ है, जिस हिसाब से त्रिषा छोटी है उस हिसाब से पापड़ इसने बहुत अच्छा बनाया है। इसका वीडियो देखने के लिए वीडियो अंत तक देखिए, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और पसंद आए वीडियो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करिए। घर में बनाया आलू का पापड़ बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब त्यौहार आने वाला है, कई तरीके के पापड़ बनेंगे। अभी मैंने केवल आलू के ही पापड़ बनाए हैं, इसके बाद साबूदाना चावल के भी बनाऊंगी। आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूंगी। देखिए पापड़ सूख गए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। पापड़ सूख गए तो बच्चे जिद करने लगे कि इसको मम्मी फ्राई कर दो, तो मैंने इसको फ्राई कर दिया है। मैं पापड़ को फ्राई कर दे रही हूँ। ये पापड़ मार्केट वाले से खाने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अपने हाथ का ही बनाया रहता है, इसलिए और टेस्टी लगता है। खाती है बहुत तो आगे है। हम चाय चुकी हूँ। और ये गला नहीं सूखा था और सब बाकी सूखा है।